अब इतने बजे से शुरू होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला। बदल गया चौथे टेस्ट मुकाबले का समय। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने बजे से खेला जाएगा चौथा और निर्णायक टेस्ट मुकाबला, बताएंगे आपको आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और चाहते हैं कि टीम इंडिया चौथे टेस्ट मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की निगाहें ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट सीरीज में पटकनी देने पर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। तीन टेस्ट मुकाबले होने के बाद भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में आगे चल रही है और टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से इस सीरीज में आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की निगाहें चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। आपको बता दें कि चौथे टेस्ट मुकाबले से भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों को कप्तान रोहित शर्मा बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम श्रीकर भरत का है। श्रीकर भरत को शुरुआती तीन टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका मिला, लेकिन ये खिलाड़ी टीम के लिए बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सका है। श्रीकर भरत की जगह ईशान किशन को चौथे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, जिससे कि भारतीय टीम का मध्यक्रम और भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद शमी की भी वापसी हो सकती है। मोहम्मद शमी तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, उनकी जगह उमेश यादव को खेलने का मौका मिला था। ऐसे में मोहम्मद शमी जब चौथे टेस्ट मुकाबले में वापसी करेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद शमी की जगह किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा सकता है। बात करें अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के बारे में, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला गुरुवार 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो कि सोमवार 13 मार्च तक अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा। बात करें इस मुकाबले के समय के बारे में, तो आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला हमें सुबह 9:30 बजे से शुरू होता हुआ नजर आएगा, जबकि इस मुकाबले का टॉस सुबह 9 बजे किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाती है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।